हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और यार गाइस, आज का दिन है ना, मैंने सोच रखा था और आप लोगों को कल बताया भी था कि हम जो है ना अब स्ट्रेट अप कुछ बड़ा करने वाले हैं। और बड़े से मुराद यही थी कि अब हम फाइनली इस काबिल जो है वो हो चुके हैं कि अपना ट्रैक्टर जो है वो कोई न्यू ख़रीद लें। बड़े दिनों से हम ये जो डिफ़ॉल्ट दो ट्रैक्टर हैं वही यूज़ कर रहे हैं। बुरे नहीं हैं वो इतने, लेकिन फिर भी अच्छे टूल्स तो जो है वो मतलब बेहतर ही होते हैं। तो आज वोटिंग के जो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि कौन सा ट्रैक्टर ख़रीदना चाहिए, तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा था कि जी जॉन डियर का ट्रैक्टर ख़रीद लो, जॉन डियर 6R। तो भैया आज हम वही ख़रीदने जा रहे हैं। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने आप लोगों से बोला था। तो जो मतलब कि आप लोगों ने तो फिर जॉन डियर को वोट दिए, तो फिर मुझे तो है भी पर्सनली जॉन डियर ही पसंद ज़्यादा। वैसे तो जेसीबी भी है, लेकिन जॉन डियर जो है वो फिर भी थोड़ा सा फ़र्क है। ओके जी, तो हॉर्सेस जो हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा राइड कर चुका हूँ और इनकी फिटनेस अभी हुई है 25% ही, और काफ़ी अच्छी प्राइस हो गई है 25% पे ही। हमें तकरीबन $12,000 जो हैं वो हर घोड़े के तकरीबन मिल रहे हैं। तो ख़रीदे थे जी हमने $5,000-5,000 के, तो मतलब कि डबल प्रॉफिट तो अभी भी ये देने ही वाले हैं। लेकिन अभी भैया इनको बेचने का फ़ायदा कोई नहीं, ये इनको बेचने का मज़ा तब आएगा जब ये एक घोड़ा $50,000-50,000 का बिकेगा, फिर फ़ायदा आएगा, फिर मज़ा आएगा। तो इनको अभी हम जो है वो थोड़े से रनिंग करवा लेते हैं जल्दी जल्दी इनकी, और फिर देखते हैं और क्या काम करने वाले हैं। ओके जी गाइस, तो घोड़ों को जो है वो उनकी रनिंग हमने कंप्लीट करवा दी है, और जो हेल्पर मियाँ है वो कह रहा है कि जी आपका टिपर मतलब कि बिन जो है वो हार्वेस्टर की फुल हो चुकी है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे हमने हेल्पर हायर कर रखा था जो कि हार्वेस्टर ड्राइव कर रहा था, तो अब वो हेल्पर हार्वेस्टर की जो है वो बिन फुल हो चुकी है। तो अभी हमने क्या करना है, हार्वेस्टर को एम्प्टी करना है ताकि वो हेल्पर जो है वो कंटिन्यू कर सके अपना काम। तो यहाँ से चलते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ कि अपना कंट्रोलर जो है वो चेंज कर लूँ, ये वाला जो है ना अब ये थोड़ा सा तंग करने लग पड़ा है। एक तो इसके कंट्रोल्स बड़े मतलब कि ना, अब मैं क्या बोलूँ यार, बड़े रैपिड से हैं, और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ी सी मेल फंक्शनिंग भी जो है ये करना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब इट्स टाइम टू गेट अ बेटर कंट्रोलर, और मैं सोच रहा हूँ कि कोई Xbox One का कंट्रोलर ले लूँ, Xbox One S का, क्योंकि PlayStation 4 का तो फिर वो Xbox का ये है ना कि वो मैं बाद में PC पे भी यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन PlayStation का करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं भी वैसे मैंने कभी कंट्रोलर लिए नहीं है, लेकिन बस वैसे ही मतलब कि अब आदत हो गई है कंट्रोलर के साथ खेलने की। तो वैसे भी मैं क्योंकि अब एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, जब मैं कंट्रोलर से खेलता हूँ तो आप देखते हैं कि
रेस वाला स्लाइडर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं, यूआई इसकी गेम की जो है वो हाइड हो जाती है, छुप जाती है। तो अच्छी स्क्रीन फिर मतलब कि ज़्यादा जो है वो फिर गेम ही शो हो रही होती, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पैसे हैं भी पहले से भी, तो अभी हम जो है वो घोड़ों को मैं साफ़ करना आई गेस के भूल चुका हूँ यहाँ पे, तो इनको वन बाय वन जो है वो अभी हम क्लीन करते हैं जी, वन बाय वन। अरे वाह यार, $17,000 प्राइस हो गई है जी, तो विच इज़ गुड। और 34% जो है वो इनकी राइडिंग हो चुकी है। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता वैसे, सच्ची बात है। मैंने एक दिन वैसे ही मतलब कि ना स्पेंड कर दिया था इनको, मतलब कि दौड़ाना भूल ही गया था, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हॉर्सेस को लेके। तो आप मतलब कि फार्म के कामों में फिर लगे रहते हो तो पता नहीं चलता। अच्छा जी, तो वाह यार, स्टोरेज ग्रेन स्टोरेज पे हमें बहुत ही अच्छी प्राइस मिल रही है सोयाबीन्स की, तो यही है जी ग्रेन स्टोरेज। अच्छा, पता नहीं क्यों जब मतलब कि ना मैक्सिमम प्राइस अच्छी मिल रही हो ना, तो मैं डबल चेक करता हूँ कि यही है ना वो सेलिंग पॉइंट। हालांकि मुझे पता भी होता है, फिर भी मतलब मैं ना डबल चेक कर लेता हूँ कि मैं कहीं गलत सेलिंग स्टेशन पे ना सेल कर दूँ। तो कुछ जो है वो कनोला है हमारे पास, तो अभी तक तो भैया मेन सोर्स हमारा कनोला ही है, तो उसको ही मतलब हम मैं बार बार प्लांट कर रहा हूँ, हार्वेस्ट कर रहा हूँ। अब खासा मतलब कि ना मैं वो खुद भी थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि कनोला के अलावा भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम हो इस गेम में। कनोला बोल रहा हूँ यार, सोयाबीन्स, पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को। तो चलते हैं जी, देखते हैं कितनी प्राइस मिलती है हमें एक टिपर की। अमूमन आई गेस के $35,000 प्लस मिलेगी, $35,000 से कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सेल किए थे तब $1,600 थी प्राइस, तो उसके मुझे मिल रहे थे 35। तो अब मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें 35,000 से तो ज़्यादा ही मिलेगी। ये आ चुकी है जी ग्रेन स्टोरेज, और यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं कि कितना मूला मिलता है हमें, मूला। और भाई 36,000 मिल गए। चलो यार, फिर ऐसा करते हैं सारा ही आज ही बेच देते हैं, मैं नहीं चाहता फिर बाद में कोई मतलब दोबारा हमें इतनी अच्छी प्राइस ना मिले। तो जितना भी पड़ा है सोयाबीन वो जो है मैं अभी सारा बेचने लग गया हूँ। ओके जी गाइस, तो फाइनली आज हमने फेंट 515 फेवरेट ट्रैक्टर जो है वो बेच दिया है। याद तो आएगी उसकी। लेकिन अब क्या करें यार, अच्छे ट्रैक्टर्स भी तो लेने हैं ना, इनके साथ थोड़ी ना अब हम फील्ड जो है वो काम ज़्यादा है, और ये वाले ट्रैक्टर अब जो है वो गुजारा नहीं कर रहे, तो अब डेफिनेटली हमें अपने फार्म को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप लेके जाना है। तो ये है जी जॉन डियर 6R, और ये हमने खरीद लिया। अच्छा, वैसे अच्छी वैल्यू में बिक गया था हमारा वो ट्रैक्टर। अरे यार, इसकी आवाज़ चेक करो, वाह। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मैं काफ़ी दिन वो डिफ़ॉल्ट जो दो ट्रैक्टर हैं वो यूज़ करता रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों मतलब ये ट्रैक्टर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हम दोनों के मुकाबले में।
यार यही फायदा होता है जब आप एक दफा आ जाते हो ना सारा काम कर करा के, तो दोबारा जब शुरू करते हो तो फिर बड़ा मज़ा आता है इसको। वाह, लुक्स चेक करो ज़रा यार इसकी, अमेजिंग। और ये अभी तो ये मतलब क्या है ना, 6 आर है अभी, जब हम 8 आर लेंगे तो फिर देखना वो, मतलब कि दैट्स अ बीस्ट, वो एक बीस्ट ट्रैक्टर है। तो लुक्स जो है वो काफ़ी हो गई। यार ये क्या कर रखा है इसने, मतलब ये कैसे छोड़ सकता है यार यहाँ पे ये वाला सेविंग्स। ओके जी, तो अरे यार मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, मतलब अगर हम थोड़ा सा ये वाला जो सोयाबीन है इस हार्वेस्टर के अंदर है इसको भी बेच दें थोड़ा सा, अब फार्म साइलोज में कुछ तो होगा, वो भी बेच दें क्योंकि अभी तो अच्छी प्राइस मिल रही है हमें। और क्यों ना हम अपना एक मतलब कि सीडर भी अपग्रेड कर लें, क्योंकि यू नो वो अब छोटा हो गया है वो वाला सीडर, तो करते हैं आई गेस कि वो जब हम सीडर बेचेंगे तो हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम हॉर्श का जो है वो प्रोंटो वाला सीडर ख़रीद लें। आई गेस कि वो परफेक्टली मैच कर जाएगा हमारे नए नए ट्रैक्टर के साथ, तो देखते हैं क्या बनता है जी। तो हाँ बिल्कुल, हम इतने पैसे जो है वो कर लेंगे कि जो हॉर्श का प्रोंटो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बोल रहा हूँ, व्हाट द हेल, जो हॉर्श का प्रोंटो सीडर है वो तो एटलीस्ट हम आज के गेम प्ले में ले ही लेंगे। अरे वाह यार क्या दिमाग है मेरा, अमेजिंग। मतलब शुक्र है कि एटलीस्ट ये आइडिया आ गया। डेफिनेटली डेफिनेटली हम जो है वो बड़ी आसानी से सीडर भी परचेज़ कर लेंगे, और हमें इस वक्त जो है वो इतनी पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट इन केस अगर हमें मतलब कि फ़ौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो हम जो है वो फिर ऑफ कोर्स एक दो घोड़ी बेच देंगे, और क्या हम मतलब क्या अब कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि तब तक जो है वो मतलब कि घोड़े थोड़ी सी और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसको जो है वो अब हम ले के चलते हैं सीधा ग्रेन स्टोरी पे, क्योंकि वहीं पे प्राइस हमें अच्छी मिल रही है, और टाइम अभी तक जो कि अभी तक के लिए जो है वो मैंने रियल टाइम के मुताबिक लगाया, तो आई एम 100% श्योर कि अभी तक प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुई होगी। और इवन दो वैसे अगर हम ये वाला ना भी बेचें, मेरे ख्याल से फिर भी हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो ख़रीद लेंगे, क्योंकि पुराना सीडर जो है वो हमारा आखिर वो भी किसी ना किसी मतलब के वैल्यू में तो बिकेगा ही ना। और अभी हमें चाहिए जी $29,000 चाहिए, तो मुझे लगता है वो इससे ज़्यादा की बिक जाएगा। लेकिन फिर भी हम जो है वो ये तो नहीं ना अब कि अब हम बिल्कुल ही गरीब होके बैठ जाएं, फिर उसमें सीट भी डलवाने और भी कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इट्स नॉट गुड। तो हम ये वाला सोयाबीन जो है वो बेच देते हैं, सोयाबीन्स। अरे वाह, 7,000 और 4,000, अभी हमें चाहिए जी 11,000। ओके जी, तो वो वाला सीडर बेच के अब हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि हम बड़े सुकून के साथ जो है वो न्यू सीडर जो है वो ख़रीद सकें। ये मैं किस कैटेगरी में चला गया, ये रहा इसकी मतलब ये यार ये बहुत ज़्यादा ना लाइफ सेविंग हो जाएगा। अभी के लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ कि वो जो स्प्रेयर है ना उसको यूज़ करके दोबारा फर्टिलाइज़ कर रहा हूँ, तो अब मुझ मेरी ना वो उस चीज़ से भी जान छूटने वाली है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। रियलिस्टिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि वैसे फार्मिंग सिमुलेटर और जैन सॉफ्टवेयर वालों को ये रखना चाहिए था कि मतलब कि इसके थ्रू अगर आप फर्टिलाइज़ कर भी लेते तो वो एक मतलब कि 10% फर्टिलाइज़ होता या 20% होता, लेकिन उन्होंने मतलब कि क्या किया है कि वो अब मतलब इसके साथ अब जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करोगे ना, तो उसके बाद फिर आपको आप फर्टिलाइज़ करो अपना फील्ड या ना करो वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यील्ड आपका सेम ही रहने वाला है। तो ये सीडर ही मतलब क्या है ना फर्टिलाइज़ मैक्सिमम कर देता है आपका फील्ड, तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब कि इन्होंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए था इनको कि इवन दो कि आप ये वाला सीडर यूज़ कर भी लेते, इसका फर्टिलाइज़र यूज़ कर भी लेते, फिर भी आपको एटलीस्ट एक बार फर्टिलाइज़ ज़रूर करना पड़ता। तो खैर उन्होंने नहीं किया, तो अभी तक के लिए जो है वो हम इसका ये लाइफ हैक यूज़ कर सकते हैं। वाह, आई गेस कि ये एक परफेक्ट कॉम्बो है। जब हम बड़ा ट्रैक्टर लेंगे तो फिर जो है वो हम अमेज़न कॉन्डर जो है वो यूज़ करना शुरू कर देंगे, तब वो एक कॉम्बो हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए नो डाउट कि ये मतलब कि एक परफेक्ट कॉम्बो है। और अब देखते हैं कि ये चलता कैसे है।
मतलब ठीक ठाक चलता है, यानी ये ना हो कि स्पीड का ही कोई इशू आ रहा हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, क्योंकि 300 हॉर्स पावर है आई गेस हमारे ट्रैक्टर की। अरे अच्छा ठीक है ठीक है, वो वैसे ही मतलब कि ये फील्ड ही काफ़ी ऊंचा नीचा है, मुझे लगा ये ट्रैक्टर पुल ही नहीं कर रहा। ठीक है तो अरे वाह यार, यकीन करो कसम से इतना मज़ा आ रहा है ना इसको ड्राइव करने में, मैं बता नहीं सकता यार। ये आपको तभी मज़ा आएगा जब आप फिर गेम खेलोगे, और काफ़ी दिन जो है वो छोटा सा जो वेडर स्टेट का सीडर है उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, फिर जब अपग्रेड करोगे ना फिर आपको जो है वो गेम का मज़ा आएगा। जो कुछ लोग मूड्स यूज़ कर लेते हैं या और तरह तरह के हैक यूज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए मेरी यही एक सजेशन है कि एक बार फिर खेल के देखो, आपको फिर ही खेलने का मज़ा आएगा। मूड्स तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसे वन बाय वन आप अपनी स्ट्रेटजी की बेस पे आगे बढ़ोगे तो उसका अपना ही मज़ा है। ओके जी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और बाकी की वीडियो देखना मत भूलिएगा। Check this, got one more for the set list. Walk in the spot and I drop one track. Know who the best, know who the best is. Walk in the rave like check this. Got one more for the set list. Tell me what's going down. I can't stand it when you're so shut down. Check this, got one more for the set list. Walk in the spot and I drop one track. Know who the best, know who the best is.